नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में म्यांमार के रखैन राज्य में लाखों रोहिंग्या मुसलमानों को जान से मार दिया गया, हजारों महिलाओं का बलात्कार करा गया और हजारों रोहिंग्याओं को आग में जिंदा जला दिया गया। लेकिन आपके मन में शायद ये सवाल आ रहा होगा कि रोहिंग्या आखिर कौन है और इनको क्यों मारा जा रहा है। तो आज मैं बताने वाला हूँ रोहिंग्याओं के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक रोहिंग्या मुसलमान दुनिया का सबसे अकेला और बहुत ही असहाय जाति है, जिसके हक के लिए आज तक किसी भी देश ने आवाज़ नहीं उठाया। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक 2012 से लेकर अब तक लाखों रोहिंग्या मुसलमानों को काट दिया गया, हजारों रोहिंग्याओं के घर जला दिए गए, हजारों की तादाद में रोहिंग्या महिलाओं का परिवार के सामने बलात्कार करा गया, हजारों रोहिंग्या म्यांमार से भागते वक्त गोलियों का शिकार हुए, हजारों रोहिंग्याओं भागते वक्त समुद्र में डूबकर मर गए। रोहिंग्या प्रजाति आज तक के मानव इतिहास का सबसे ज़्यादा मारे जाने वाला माइनॉरिटी है। अगर ऐतिहासिक तौर से देखा जाए तो एक समय पर रोहिंग्या भारतीय बंगाली थे, जो अंग्रेज़ों के जुल्म से डरकर 1700 शताब्दी के दौरान म्यांमार के अराकान क्षेत्र में जाकर बस गए थे। यहाँ के ज़्यादातर लोग बंगाली में बात करते हैं और दिखते भी भारतीय जैसे हैं। यही कारण है कि म्यांमार के लोग रोहिंग्याओं को म्यांमार का बसिंदा नहीं मानते हैं। यहाँ तक कि 1982 में रोहिंग्याओं से म्यांमार का नागरिकता तक छीन लिया गया। दुनिया में कुल रोहिंग्याओं की संख्या लगभग 20 लाख से अधिक है, जिसमें लगभग 15 लाख रोहिंग्या अकेले म्यांमार में रहते हैं। इन रोहिंग्याओं में ज़्यादातर लोग मुसलमान हैं और बाकी बचे लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं। हाल ही में म्यांमार के रखैन राज्य में सिर्फ रोहिंग्या मुसलमानों को ही नहीं मारा जा रहा, इसके साथ काफ़ी मात्रा में वहाँ पर रहने वाले हिंदुओं को भी मारा जा रहा है। और इसी डर से रोहिंग्या मुसलमानों के साथ बहुत सारे हिंदू भी म्यांमार से भागकर बांग्लादेश के चिटागांव के रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं। जब म्यांमार आज़ाद हुआ था, तब से लेकर 1962 तक रोहिंग्याओं को नागरिकता और लगभग सभी अधिकार दिया गया था। लेकिन 1962 में म्यांमार के आर्मी ने म्यांमार सरकार को उखाड़ फेंका। लगभग सभी नेताओं को या तो मार दिया गया या फिर जेल में कैद कर लिया गया। म्यांमार के आर्मी ने रोहिंग्याओं पर काफ़ी जुल्म किया, जिसके लिए लाखों रोहिंग्याओं को घर छोड़कर भागना पड़ा। और तब से लेकर आज तक रोहिंग्याओं के ऊपर काफ़ी जुल्म हो रहा है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा नहीं लगा तो नीचे कॉमेंट बॉक्स पर लिख कर बताएँ क्यों अच्छा